स्क्रीन टाइम, टीवी कितना बच्चा देखे, फोन पे बच्चा कितना बैठे, कितने कार्टून्स देखे, कितना यूट्यूब देखे, कितनी वीडियोस देखे, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उमर, इस वक्त जो हमारा पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रोइंग जो एट द फास्टेस्ट रेट जो है, सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से अगर कोई चीज दुनिया के अंदर ग्रो कर रही है और खास तौर पे बच्चों के अंदर ग्रो कर रही है और सबसे बड़ा जो इस टाइम मसला बन चुका है पूरी दुनिया के लिए और इसमें हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो है वो शामिल है, तो वो स्क्रीन टाइम है। इसमें आप भी शामिल हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ और इसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों के तो जो जहन है वो बहुत कमजोर हैं, अभी बहुत इमेच्योर हैं, पूरी तरह से डिवेलप नहीं हुए, और अगर उन्होंने स्क्रीन के ऊपर ही इतना ज्यादा दिन जो है वो हर वक्त स्क्रीन के ऊपर गुजारना है तो उनका जो है जहन, उनका जो ब्रेन है वो मैच्योर कैसे होगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ही रहेंगे हर वक्त। आप इसमें उमर, आप एक चीज जहन में रखिएगा, मैं इस मसले की तरफ आने से पहले एक बहुत ही अलार्मिंग जो चीज आपके नाजरीन की तवज्जो के अंदर लाना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में अगर आप गूगल करके देखें तो ये जो स्मार्टफोन डिवाइसेस की वजह से पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर जितनी डेथ्स हुई हैं, आपको वो देखकर आपको शॉक लगेगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने ज्यादा लोग जो है वो स्मार्टफोन डिवाइसेस के इस्तेमाल की वजह से वो उनकी डेथ हो चुकी है। उसके पीछे सेल्फीज हो सकती हैं, उसके पीछे जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसके पीछे बच्चे जो कि मोटर बाइक्स चला रहे हैं और साथ में फोन यूज कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं साथ में फोन यूज कर रहे हैं, तो ये स्क्रीन टाइम, मोबाइल फोन, स्मार्ट डिवाइसेस, इनकी वजह से अगर आप गूगल करके देखें तो नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बेसिकली इसके पीछे जो सारी साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा उमर, जैसे मैंने पहले पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया, ये हमारे यहाँ लोग जो है वो शराब की एडिक्शन को और सिगरेट नोशी की एडिक्शन को और दूसरी चीजों की एडिक्शन को तो समझते हैं, लेकिन ये इस चीज को समझाना, ये भी समझना पड़ेगा और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भी उसी तरह का एक एडिक्शन है, ये भी उसी तरह का एक नशा है और इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये जो अभी इमेच्योर जो नामालूद जहन है जो भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, ये जहन डेवलप नहीं हो सकेंगे। अच्छा उमर, अब मैं इसके सलूशन की तरफ और आपके सवाल की तरफ आता हूं, तो हमारे यहां जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आई एम श्योर के अमेरिका के अंदर भी रिकमेंडेशंस इतनी ही होंगी जितनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और 3 साल की उम्र से पहले तो स्क्रीन टाइम वो कहते हैं अलाउड नहीं है, 3 साल की उम्र के बाद जो है वो कहते हैं जी कि आप जितनी उम्र है बच्चे की, ये मैं आपको साइंटिफिक एक बता रहा हूँ कि जो मेडिकली यहाँ पे तरीका फॉलो किया जाता है, वो कहते हैं जी कि आप बच्चों को 2 साल दो घंटे तक आप उनका स्क्रीन टाइम हो सकता है, और कुछ खास उम्र के बाद जो है मेरा ख्याल है 6 साल और 7 साल के बाद वो कहते हैं जी कि हर 1 साल के इजाफे के साथ आप उनका स्क्रीन टाइम आधे घंटे आप बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम जो है 4 घंटे तक आप कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और उसमें असल में प्रॉब्लम ये भी है उमर, आपको पता होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आजकल स्कूलों के अंदर जो है स्मार्टफोन डिवाइसेस इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल, यू नो कि जितनी भी बच्चों की एजुकेशन आजकल करवाई जाती है वो स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर करवाई जाती है, आईपैड्स के ऊपर करवाई जाती है। अब सवाल आ जाता है कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है, बिल्कुल सही। और उमर इसमें मेरे आंसर जो है इसके 2 हिस्से हैं और मैं दोनों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। पहला हिस्सा कि मेक श्योर, मैं सारे अपने वालदैन जितने भी इस हमारे इस टॉक को आज देख रहे हैं,
इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड मायसेल्फ, मैं उसको बताना चाहूंगा कि जो भी स्मार्टफोन आपका बच्चा यूज कर रहा है, वो आपका मोबाइल है या उसका आईपैड है या जो भी डिवाइस वो यूज कर रहे हैं रेगुलरली, या आईपैड या वो मैकबुक हो सकती है या लैपटॉप हो सकता है, जो भी चीज है, क्योंकि आजकल टीवी भी आपको पता है कि स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं जिसके अंदर दे आर डायरेक्टली लिंक्ड, जो कि डायरेक्टली जो है इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं. तो मेक श्योर मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं उमर, कि आप उनकी उन डिवाइसेस की सेटिंग्स जरूर चेंज करें. उस बच्चे की उम्र के हिसाब से उसके ऊपर जितने भी फिल्टर्स जरूरी हैं, वो मूवीज के लिए हैं या यूट्यूब के लिए हैं या एप्स के लिए हैं, आप उन फिल्टर्स को जरूर जरूर एडजस्ट करें अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से, क्योंकि आप कतन नहीं चाहते कि आपके बच्चे को इन डिवाइसेस के थ्रू कोई भी और तीसरा शख्स बाहर का वो अप्रोच करके उन्हें किसी भी गलत रविश पर लगा दे, या वो ना भी लगाए तो आपके बच्चे किसी ऐसे भी काबले एतराज जो है मवाद को एक्सेस करके किसी गलत रास्ते पे चल पड़े. तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और आजकल जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं उमर, उनके अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं. ये कोई मुश्किल नहीं है. अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप मैं मेरा यकीन है कि आप उसके अंदर आप में इतनी अकल होनी चाहिए, आप इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप उसकी सेटिंग्स को मैनेज, अगर नहीं आप कर सकते तो खुदारा किसी को 500 रुपया दे के तो आप किसी के पास चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं जिनको इन चीजों का पता हो, इल्म हो, और उन्हें कहें भाई मेरे बच्चा जो है 8 साल का है, क्या आप प्लीज मेरे फोन के ऊपर सेटिंग्स जो है, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी की सेटिंग्स है वो उसकी उम्र के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. I'm pretty sure कि ये कोई इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है. सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो आप ऐड कर लें, फिर मैं आप इसके दूसरे हिस्से की तरफ भी आता हूँ. जो आपने बात की इसके बारे में एक कहना चाहूंगा, ये पिछले महीने अमेरिका में बहुत बड़ा ये बात चली थी कि YouTube के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस थी जिसके अंदर बहुत ही बुरा इंसान था जो अपनी वीडियोस डालता था कि बच्चे देखें, और फिर बच्चों को कहता था कि अपने आप को मार दो. और अमेरिका में ये हुआ कि कुछ बच्चों ने अपने आप को कत्ल किया, और ये किस तरह पकड़ा गया, जाहिर सी बात है कि जब बच्चा वीडियो देख रहा है और माँ बाप ने देखा कि ये कौन सी वीडियो है, किस किस्म की वीडियो है, तो इस तरह फिर यूट्यूब ने उसको बैन किया. यूट्यूब के ऊपर काफी नुक्ताचीनी हुई थी कि यूट्यूब किस तरह इन चीजों को आने दे रहा है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे. एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि यूट्यूब किड्स भी एक यूट्यूब ऐप है, यूट्यूब किड्स. बच्चों को रेगुलर यूट्यूब दिखाने के बजाय आप यूट्यूब किड्स का ऐप दिखा सकते हैं. एक और ऐप है अंग्रेजी में है, खान अकेडमी. अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो सलमान खान इनका नाम है, और ये अमेरिका में होते हैं, पाकिस्तान से ये इनकी ओरिजिनेशन है. इन्होंने ऐप बनाया खान अकेडमी. तो स्क्रीन टाइम के साथ एक ये बड़ा मसला है कि उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती, और जब इंटरेक्शन नहीं होती तो बच्चों की सही जहनी नशोनुमा नहीं हो सकती. तो खान अकेडमी एक ऐसा ऐप है जिसमें इंटरेक्शन होती है, कि वो आपसे पूछता है कि ये कौन सा जानवर है, इस जानवर को हाथ लगाओ, ये 1-2-3 को हाथ लगाओ. और इससे ये भी फायदा होगा कि बच्चों को अगर घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, अंग्रेजी शायद वो बेहतर सीख सके. तो मेरे नजदीक बच्चों को अंग्रेजी सिखानी चाहिए आजकल के दौर में. तो ये दो बातें मैं कहना चाह रहा था कि खान अकेडमी और आप YouTube Kids, इन दोनों को आप अपने फोन पे डालें, और बाकी दूसरे किस्म के एप्स कोशिश कीजिए कि मत दें. अब मैं आता हूं दूसरा इसके मैनेजमेंट की तरफ. तो उमर, मैं जो अपने क्लाइंट्स को आमतौर पर रिकमेंड करता हूँ कि स्कूल वर्क के अलावा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चों के स्कूल के अंदर आईपैड के ऊपर उन्होंने कुछ होमवर्क करना होता है, उसके लिए तो जाहिर है कि उन्हें वो डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे. उसके अलावा जो मैं रिकमेंडेशन है कि 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम का 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो है 2 घंटे से ज्यादा बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, और इस पे आप कोई अपने बच्चे के साथ कंप्रोमाइज ना करें, और आप इस चीज को श्योर बनाएं
कि आपका बच्चा जब बेड में जाए उसके पास स्मार्ट डिवाइसेस ना हो, क्योंकि इसका बहुत ही मनफी असर है बच्चों की नींद के ऊपर। और आपको पता है अगर आपके बच्चे की नींद सही नहीं है तो वो सुबह स्कूल में जाके परफॉर्म नहीं सही कर सकता, वो किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है वो फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा। तो आप इस चीज को श्योर करें, चाहे आप इस तरह की सेटिंग्स भी हैं आजकल कि आपका इंटरनेट जो है खास टाइम के बाद रात को आप उसको ऑफ कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं ताकि इंटरनेट की एक्सेस ही ना हो और डिवाइस जो है वो अपने बच्चों से आप ले लें। अब इसमें अहम सवाल जो हम सारों के जहन में पैदा होगा कि जो बच्चे 8-8 घंटे 10-10 घंटे स्मार्टफोन स्मार्ट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, अब आपने उनको लिमिट तो करना है 2 आवर्स तक, 2 घंटे तक आप उनको लिमिट करना चाह रहे हैं। और मैं रिकमेंड ये करूंगा कि 4 साल की उम्र से पहले आप कोशिश करें कि बच्चों को स्मार्टफोन स्मार्ट डिवाइसेस आप दें ही ना किसी सूरत में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 8 घंटे यूज करने वाले बच्चे से जो आपने 6 घंटे आपने उसके कम किए हैं, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? और उमर, अगर आप वाकई कामयाबी चाहते हैं बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने के अंदर, तो आपको ये 6 घंटे मैनेज करने हैं। और वालदैन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है उमर, और जिस वजह से हम वालदैन जो है वो फेल हो रहे हैं, वो बार बार कहते हैं जी हम कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारा बच्चा जो है वो नहीं, वो इससे हट नहीं रहा। और उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह जो है वो वालदैन की कमजोरी है, और उसका मैं आपको आज सोल्यूशन आपको बताने चाह रहा हूं। तो अगर आप वाकई संजीदा हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो आपको उन 6 घंटों के लिए अपने बच्चों को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना होगा। जब तक आप अपने बच्चे को अल्टरनेटिव या मुतबादल, जिसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जब तक आप अपने बच्चे को उसका जो है वो मुतबादल जो है वो मुहैया नहीं करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बच्चा जो है उस डिवाइस से बचेगा। मुतबादल क्या है? मुतबादल ये है कि आप बच्चों के लिए अपने घर के अंदर गेमों का इंतजाम करें। बच्चा देखिए, बच्चे ने आपके पास आके यही कहना है कि पापा ठीक है, अब मैं क्या करूं, आपने मेरे से डिवाइस ले लिया है, मैं वो जो टाइम है मैं बोर हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे मेरे पास फोन भी आपने ले लिया है, मेरे से डिवाइस ले लिया, क्या करूं? सो अगर आप वाकई संजीदा हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं आपको बच्चों के लिए, अब देखें ये फूसबॉल है, कैरम बोर्ड, देखें हमारे जमाने के अंदर उमर कैरम बोर्ड, लूडो, फूसबॉल, देखें घर के अंदर ये सारी जो गेम्स, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे आपको अरेंज करनी है, आप कोशिश करें 1 से 2 इंडोर गेम्स आपके घर के अंदर मौजूद हो, जो आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको खेलनी आती हो, वो उसको इंजॉय करेंगे तो उसके अंदर इंगेज हो जाए, कम अज कम 1 से 2। और साथ में आप अपने बच्चों को कम अज कम एक आउटडोर गेम उसके अंदर अपने बच्चे को जरूर इंगेज करें, उसके अंदर जरूर इन्वॉल्व करें। तो ये चीजें, अगर आप स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, वाकई इसके अंदर संजीदा है, तो आपको उसके लिए अपने बच्चे के लिए मुतबादिल जो है वो आपको तलाश करना होगा और वो अरेंज करके अपने बच्चे को देना होगा। दैट इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। बिल्कुल सही डॉक्टर वसीम, मैं आपने जो बात की उसको दोहरा दूं कि अगर आपने बच्चों को टीवी और फोन से हटाना है तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि 2 घंटे से ज्यादा इसको स्क्रीन टाइम मत दें, यानी कि फोन और टीवी का टाइम 2 घंटे ज्यादा आप मत कीजिए। उसके बाद ये है कि जाहिर सी बात है बच्चे ने कुछ तो करना है, चाहे हो सकता है बच्चा किसी और बच्चों के साथ खेले, अगर बच्चे और मौजूद नहीं है तो आपका फर्ज बनता है कि आप बच्चों को टाइम दें, बच्चों की अटेंशन आपकी आप किसी ना किसी तरह किसी काम में लगाएं, और हो सके तो वो किसी अच्छे काम में लगाएं, जैसे कि स्पोर्ट्स की डॉक्टर वसीम ने बात की। और एक और तजवीज़ डॉक्टर वसीम ने हमें बताई कि आप घर के अंदर किसी ना किसी किस्म का इनडोर खेल का सामान जरूर रखें, एक तो खिलौने तो ठीक है, दूसरी चीज जिसको आप कहते हैं इंटरैक्टिव, जैसे हमने बात की एक इंटरैक्शन होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर वसीम ने फूसबॉल पीछे रखी हुई है, आप
कैरम बोर्ड वगैरह रख सकते हैं, आप लूडो वगैरह जो पुराने जमाने की के खिलौने जो हम सब जिसपे हम बड़े बड़े हुए हैं, तो इस किस्म के आप घर में खिलौने रखें जिसके अंदर आप बच्चे के साथ खेल सके, इंटरेक्शन बच्चे के साथ कर सके, उसके साथ फिर बच्चे का दिमाग बनता है और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्शन आपस में बनाते हैं, दिमाग के जो सेल्स होते हैं दिमाग जिस तरह बनता है वो कनेक्शन बनाता है, तो ये हमें करना पड़ेगा और इससे बच्चे की नशे नुमा और जहनी नफसियाती प्रॉब्लम्स एंग्जाइटी वगैरह कम होंगी, और बच्चा अगर इंटरेक्शन में ज्यादा रहेगा तो बच्चा बड़े होते होते सीखेगा कि किस तरह बात करनी है, बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है, दोस्तों के साथ किस तरह बात करनी है और मुआशरे में किस तरह उसने रहना है। अगर वो कंप्यूटर पर रहेगा, अगर वो बचपन से 1-2-3 साल की उम्र से अपने फोन पे रहेगा तो बिल्कुल नहीं सीखेगा कि वो मुआशरे में उसने किस तरह रहना है। तो डॉक्टर वसीम आपने बहुत ही अच्छी बात की।